अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बैक अनदर वीडियो। दिस इज मलिक अमजद, आप देख रहे हैं टेक्निकल बजट चैनल। तो गाइस, फाइनली आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi Note सीरीज के एक और अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में। इस स्मार्टफोन का नाम है Redmi Note 12। यह स्मार्टफोन बहुत जल्द इंडिया और पाकिस्तान में लॉन्च होने वाला है। इस स्मार्टफोन की तमाम तरह स्पेसिफिकेशन, प्राइस और लॉन्च डेट जो है वो निकलकर सामने आ चुकी है। तो आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ बात करने वाले हैं, क्या आपको स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए या नहीं, क्या यह स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होने वाला है या नहीं। कंप्लीट डिटेल के साथ ये सारी चीजें आप लोगों के साथ क्लियर करने वाला हूं। लेकिन गाइस, पाकिस्तान में टेक्निकल बेस्ट YouTube चैनल पहला चैनल है जो आपको हर नए आने वाले मोबाइल फोन की अपडेट सबसे पहले देता है। अगर आप ऐसी मजीद वीडियोस को वॉच करना चाहते हैं तो हमारे चैनल टेक्निकल बेस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए मैं जैसी वीडियो अपलोड करता हूं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे Redmi Note 12 की स्पेसिफिकेशन की, सेकंड नंबर पर डिस्कस होगी इस मोबाइल फोन की प्राइस और लॉन्च डेट, और लास्ट में मैं अपना फाइनल ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। सो गाइस, बात स्टार्ट कर लेते हैं इस मोबाइल फोन के डिस्प्ले साइज से। इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले साइज 6.67 इंचेस है, साथ आपको 85.5% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दी गई है। अगर बात करें रेजोल्यूशन की, स्मार्टफोन पर 1080 की रेजोल्यूशन दी गई है जो कि प्लस फुल HD होगी। अगर बात करें रिफ्रेश रेट की तो स्मार्टफोन पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। नो डाउट Xiaomi कंपनी ने स्मार्टफोन के डिस्प्ले पर बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग काम किया है। आप इस स्मार्टफोन को डिस्प्ले वाइज कंसीडर कर सकते हैं। सो गाइस, बात करेंगे स्मार्टफोन के टर्नल की। ये स्मार्टफोन 4GB रैम और 64GB रोम के साथ पाकिस्तान में लॉन्च होगा, लेकिन इंडिया के अंदर इसका सेकंड वेरिएंट भी लॉन्च होगा जो कि 6GB रैम और 128GB रोम के साथ होगा। और साथ आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। स्मार्टफोन के बॉक्स में आपको 33W का फास्ट चार्जर जो है वो दिया गया, और ये स्मार्टफोन खुद भी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अगर बात करें स्मार्टफोन की चिपसेट की, स्मार्टफोन में आपको कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 720G की 5G की चिपसेट दी गई है जो कि आउटस्टैंडिंग चिपसेट है, आपको अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगी। गेमिंग वाइज आपको स्मार्टफोन के ऊपर किसी किस्म की डिफिकल्टीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो गाइस, बात करेंगे स्मार्टफोन के कैमरास की, तो बैक साइड पे 4 कैमरास का सेटअप है। मेन कैमरा 48 MP का है। अगर बात करें सेकेंडरी कैमरा की, वो 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा होगा। अगर बात करें थर्ड कैमरा की, वो 5 MP का मैक्रो कैमरा है, और साथ आपको 4 MP 2 MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है। साथ आपको LED फ्लैश भी दी गई, और मेन कैमरे से आप 4K तक के वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर बात करें स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा की, फ्रंट पे आपको 5 होल कैमरा 16 MP का दिया गया, और फ्रंट कैमरे से आप 1080 की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकेंगे। अगर बात करें स्मार्टफोन के कलर्स की, ये स्मार्टफोन 3 कलर्स में लॉन्च होगा, और साथ आपको स्मार्टफोन का जो वेट देखने को मिलेगा वो 186G है। और इस स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड V11 का सॉफ्टवेयर रन करता हुआ नजर आएगा। साथ आपको इस फोन पर फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड दिया गया। अगर बात करें स्मार्टफोन के ऑडियो जैक की, स्मार्टफोन पर 3.5mm का ऑडियो जैक दिया गया, और नो डाउट USB-C टाइप की पोर्ट आपको स्मार्टफोन पर देखने को मिलेगी। अगर बात करें स्मार्टफोन की प्राइस की, तो पाकिस्तान में इस मोबाइल फोन की जो प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है वो 42,000 है, और इंडिया के अंदर इस स्मार्टफोन की प्राइस 22,000 होने वाली है। और अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की लॉन्च डेट की। ये स्मार्टफोन इंडिया में दिसंबर में लॉन्च होगा, और यही स्मार्टफोन पाकिस्तान में 2022 में लॉन्च होने वाला है। सो गाइस, लास्ट पर बात कर लेते हैं मेरे फाइनल ओपिनियन की। ये स्मार्टफोन बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग फीचर के साथ आ रहा है, लेकिन एक चीज की जरूर कमी है। इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले में एटलीस्ट कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन होनी चाहिए थी। बाकी ओवरऑल तमाम तरह स्पेसिफिकेशन इस स्मार्टफोन की मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। अगर आप Redmi Note 12 का वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए, और आपने कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना है कि आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा है। तो गाइस, अकॉर्डिंग टू लीक्स और रूमर्स, वो तमाम तरह स्पेसिफिकेशन जो अभी तक इस स्मार्टफोन के लीक हुई थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी मजीद वीडियोस को वॉच करने के लिए हमारे चैनल टेक्निकल बजट को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए मैं जैसे वीडियो अपलोड करता हूं। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए मोबाइल फोन के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।